हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जी जे बायोलॉजी स्टॉफ। सो आज का हमारा टॉपिक है आउटर स्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्शंस ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो प्रोजेक्शंस होते हैं, चाहे वो फेम्ब्रिया हो, चाहे वो पीलाए हो, चाहे वो फ्लैजेला हो या फिर सिलिया हो, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सो ये टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर नीट का भी क्वेश्चन बन सकता है और बन भी चुका है। सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे जो नीट में आ चुका है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो सबसे पहले हम फेम्ब्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फेम्ब्रिया क्या होता है हम देखेंगे। फेम्ब्रिया क्या होता है? एक होल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। फेम्ब्रिया पकड़ने के काम आता है बैक्टीरिया को। होल्डिंग स्ट्रक्चर्स टू होल्ड, किसी बैक्टीरिया को पकड़ने के काम आता है फेम्ब्रिया। बैक्टीरिया के ऊपर फेम्ब्रिया लगे होते हैं, उन फेम्ब्रियों की मदद से वो किसी भी होस्ट के बॉडी को पकड़ सकता है। इस तरह से होल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कैसे दिखते हैं हम देखेंगे। सो ये एक बैक्टीरिया है। सबसे अंदर वाली लेयर को मैंने बताया था आपको कौन सी होती है। सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल और उसके ऊपर होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये जो हम प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया के आउटर सरफेस के ऊपर होते हैं। सो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स जो एक्स्ट्रा लेयर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। इन तीनों लेयर को मिलाकर हम सेल इन्वलप कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। आप चाहे तो वो लेक्चर लगा सकते हैं। अभी के लिए आप देखिए, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। सो इनके ऊपर ही प्रोजेक्शन लगे होते हैं, तो फेम्ब्रिया भी इनके ऊपर ही लगा होगा। सो फेम्ब्रिया कुछ इस तरह से लगे होते हैं, कुछ इस तरह से ये पूरे इसके सरफेस पर लगे होते हैं ताकि ये किसी भी होस्ट को पकड़ सके। इसका हम अगर एग्जांपल देना चाहे तो हम नेजेरिया गोनोरिया के बारे में दे सकते हैं। नेजेरिया गोनोरी जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अगर ये एक गोनोरिया बैक्टीरिया है, सो इसके ऊपर इस तरह से होल्डिंग स्ट्रक्चर्स रहेंगे जिसे हम फेम्ब्री कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर की मदद से वो फीमेल वजाइना को पकड़ के रखता है और वहाँ पर इन्फेक्शन करता है। ये बैक्टीरिया कहाँ होता है? फीमेल वजाइना में होता है और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो गोनोरिया होती है। गोनोरिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो फीमेल वजाइना में ये बैक्टीरिया कॉज करता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स पूरे बैक्टीरिया पर लगे होते हैं जिनकी मदद से ये अच्छे तरीके से होस्ट्स को पकड़ सकता है। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको समझने के लिए। ये किस लिए काम आते हैं? पकड़ने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स पकड़ने के लिए काम आते हैं बैक्टीरिया को। और इसका एग्जांपल अगर हम अगर देना चाहे तो हम दे सकते हैं नेजेरिया।
गोनो गोनोरिया। अब इसको पढ़ लीजिए क्या है। ये एक बैक्टीरिया होता है जो फीमेल वजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है। सो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्शन है पीलाय। पीलाय कॉन्जुगेशन के लिए होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय पीलाय। पीलाय से हम कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब हम जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पीलाय पीलाय की मदद से। सो कैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में जेनेटिक मेकअप ट्रांसफ़र करने को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो कॉन्जुगेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कॉन्जुगेशन सिंपली बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में पीलाय के थ्रू होता है। समझ लीजिए ये एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है, ये सबसे आउटर लेयर है। कौन सी होती है सबसे आउटर लेयर? ग्लाइकोकैलिक्स। सो इनके ऊपर ऐसे बड़े से स्ट्रक्चर लगे होते हैं, इस तरह से ज़्यादा भर कर नहीं लगे होते हैं, एक या दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो अगर ये दूसरा, अगर ये कोई दूसरा बैक्टीरिया है इस तरह से, सो ये स्ट्रक्चर जाके इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा ये स्ट्रक्चर। और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके थ्रू यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो ये क्या है? ये है पीलाय। पीलाय के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ये इस सेल से इस सेल में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। सो आपके एग्ज़ाम में आए आए कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन किससे होता है बैक्टीरिया में, तो आप पीलाय ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? पीलाय सिंपली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्जुगेशन क्या होता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। कॉन्जुगेशन ट्रांसफ़र ऑफ, सो कॉन्जुगेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय पीलाय। पीलाय वर्ड आते ही आपको कॉन्जुगेशन ये वर्ड साथ में याद रखना पड़ेगा। सो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फ्लैजेला लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं मोटैलिटी के लिए। लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं मोटैलिटी के लिए। लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये मोटैलिटी के लिए होते हैं। एक बैक्टीरिया में एक फ्लैजेला और एक के साथ दो फ्लैजेला भी मिल सकते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं लंबे स्ट्रक्चर्स। देखिए गाइस, ये आउटर सबसे ऊपर वाली लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स। सो इन्हीं के ऊपर ये भी स्ट्रक्चर बनेंगे, कुछ इस तरह से होते हैं। एक बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर या फिर एक के साथ दो दो भी फ्लैजेला मिल सकते हैं। एक फ्लैजेला और एक के साथ दो फ्लैजेला भी मिल सकते हैं। सो ये किस लिए होते हैं? फॉर मोर्टैलिटी के लिए होते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिलिटी। सो बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है एक प्रोटीन से बनता है। देखिए मैं सिर्फ बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ, मैं यूकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रही हूँ। हालांकि यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला मिलते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? स्पर्म्स जो होता है, स्पर्म्स, ह्यूमन स्पर्म्स जो हम उसके टेल टेल कहते हैं, टेल वही फ्लैजेला होता है। ह्यूमन स्पर्म में हम जिसे टेल कहते हैं वही फ्लैजेला होते हैं। तो वो कुछ दूसरे प्रोटीन से बना होता है, लेकिन मैं बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ। बैक्टीरियल सेल में जो फ्लैजेला बना होता है वो एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है फ्लैजेलिन।
फ्लैजेलिन प्रोटीन से बैक्टीरियल फ्लैजेला बनता है। इसको हमें याद रखना है, बैक्टीरियल फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। और ये किस काम में आता है? मोटिलिटी के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये हमें काम आता है, ठीक है, फॉर मोटिलिटी। अगर इस सेल को अपनी इस जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना हो तो इस फ्लैजेला की हेल्प से वो जा सकता है। सो बैक्टीरियल फ्लैजेला किस प्रोटीन से बने होते हैं? फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। सिर्फ बैक्टीरियल फ्लैजेला की बात कर रही हूँ, बैक्टीरियल फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और वो किस काम में आते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काम आते हैं, मोटेलिटी के लिए। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, एक है मोटेलिटी, दूसरी है फ्लैजेलिन प्रोटीन। सो हमारा चौथा प्रोजेक्शन है सिलिया। सिलिया बैक्टीरियल सेल के ऊपर ही पाए जाते हैं। सिर्फ बैक्टीरियल सेल ही नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं सिलिया। सिलिया एंड फ्लैजेला यूकैरियोटिक सेल में भी सेल के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। सिलिया क्या होते हैं? सिलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट। शायद ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये मूवमेंट लिखा है मैंने, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट, अभी दिखाई दे रहा है, ये मूवमेंट के लिए होते हैं। कुछ इस तरह से बैक्टीरिया के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट के लिए काम आते हैं। यहाँ से अगर कुछ फूड पार्टिकल जा रहा हो तो इन सिलिया की हेल्प से ये इनको अपने पास ला सकते हैं। बस इन्हीं इसी काम आते हैं सिलिया। ये मूवमेंट के लिए होते हैं, मोटेलिटी के लिए होते हैं नहीं होते हैं, डोंट कंफ्यूज। फ्लैजेला मोटेलिटी के लिए होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लैजेला होते हैं। बट सिलिया सिर्फ मूवमेंट के लिए होते हैं। अगर कुछ फूड पार्टिकल यहाँ से जा रहा हो तो इन सिलिया की हेल्प से वो अपने पास लेकर आ सकते हैं उस फूड पार्टिकल को। सो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे बॉडी पे ऐसे इसी तरह से हो सकते हैं। सिलिया यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, कुछ हमारे बॉडी में भी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और बैक्टीरिया के ऊपर भी सिलिया पाए जा सकते हैं। सो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है मूवमेंट और मोटेलिटी में। मोटेलिटी जहाँ पर भी आएंगे वहाँ पे फ्लैजेला रहेगा, मूवमेंट जहाँ आएंगे वहाँ पे सिलिया रहेगा। और पीला जहाँ पे आएगा वहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए। और फिम्ब्रिया सिर्फ होल्डिंग के लिए याद रखना है। आप उसका एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, नेजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया, इसको आप याद भी रख सकते हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था नीट में, हम वो देखेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आइए देखते क्या है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें इन चार ऑप्शन में से रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सो ये तो बराबर है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की ही बनी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। सो ये ऑप्शन तो हमारा राइट निकला। अगर आपको ये सब कुछ नहीं आता है, सो मैंने सेल वॉल जो बैक्टीरियल की इन्वलप होते हैं सभी, उसमें सेल वॉल आता है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स भी आता है, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो जाकर ज़रूर देखिए। सो हम सेकेंड ऑप्शन भी चेक करते हैं, पीलाई एंड सॉरी स्टूडेंट्स, सो वीडियो बीच में ही बंद हो गया और मैंने पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था।
सॉरी, इसके लिए हम फिर से चेक करेंगे सेकंड ऑप्शन। पीला एंड फैब्री फिमब्री आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन मोर्टेलिटी ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। पीला कॉन्जुगेशन में काम आता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, और फिमब्री होल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनमें से कुछ भी मोर्टेलिटी के लिए नहीं है। मोर्टेलिटी के लिए हमारे सिर्फ फ्लैजेला होते हैं और मूवमेंट के लिए होते हैं सिलिया। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चाहिए था और ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम इसको मार्क करेंगे। सो हम थर्ड ऑप्शन भी चेक करेंगे। साइनोबैक्टीरियल बैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेलेटेड सेल्स नहीं होते हैं। और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा सही आंसर है बी। सो इस समय तो मेरे पास एक ही क्वेश्चन अवेलेबल था, मैंने वो करा दिया है आपको। और क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर आपको दिखा दूँगी। सो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।